आप कह रहे हैं कि शनिवारवाड़ा के ऊपर जो आपने स्पीच दिया था उसमें एक भी प्रोवोकेटिव बात नहीं की थी, वो स्पीच मैंने भी सुना है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन यूट्यूब पे उपलब्ध है, लेकिन उसमें आपने जो एक बात कही थी, एक वर्ड जो इस्तेमाल किया था कि आधुनिक पेशवाई, और महाराष्ट्र का अगर संदर्भ मैं आपको दूं तो महाराष्ट्र में कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई ब्राह्मण व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसको पेशवाई के नाम से उसको कहा जाता है। तो आपको लगता नहीं कि इससे ज्यादा कास्टिस्ट मेंटालिटी बढ़ रही है? रिस्पोंड करूंगा, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो आंदोलन है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे से हम अस्पृश्यता के खात्मे की बात करते हैं, जाति व्यवस्था के निर्मूलन की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोगों के खिलाफ हमारी तकलीफ नहीं है। हमारी फंडामेंटल तकलीफ तो इस गुजरात मॉडल के सामने है जो सभी को विक्टिम बनाकर बैठे। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो तो पेशवाई आ गई, ऐसा तो कहते आप भी नहीं मानेंगे। अरे सर, कोई भी जाति और धर्म का वो व्यक्ति जो मेरिट पे सबसे आगे है वो प्रधानमंत्री बने, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, क्यों ना बने। दलित भी बने, ब्राह्मण भी बने, किसान का बेटा भी बने, मजदूर का बेटा भी बने। हमको तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर चीजों को देखना है ना, तो हम तो उसी की बात करते, फिर वो हमारे सामने एफआईआर कर दिया। आप जब महाराष्ट्र में आ रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, तो क्या उसके पहले आपने मराठा क्रांति मोर्चा के बारे में सुना था? नहीं, हम उससे ज्यादा अवगत नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र के किसानों की सुसाइड के मुद्दे से अवगत है। नहीं, मैं इसलिए सवाल आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मराठा क्रांति, मतलब मराठा महाराष्ट्र में मेजोरिटी कम्युनिटी है, बहुत सारे मतलब हर जिले में मोर्चे निकले थे, लेकिन उसमें एक भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। उसके जो उदाहरण जो है वो पूरे देश के ऊपर दिए जा रहे थे, लेकिन ये जो अभी माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए मतलब क्या हो सकता है, कौन बिल्कुल जिम्मेदार? तो महाराष्ट्र की सरकार को ये एंश्योर करना चाहिए कि माहौल ना बिगड़े। कानून और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस की परमिशन के साथ कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है तो उसको करने का अधिकार है। दिल्ली में भी हम लोग रैली कर रहे हैं 9 तारीख को सोशल जस्टिस की बात को लेकर। किस देश के प्रधानमंत्री जो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हैं वो सोशल जस्टिस एंश्योर करे, इतना ही बात करेंगे हम, इस पूरे करेंगे। तो हमारा कल भी अपील था, आज भी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस को ये एंश्योर करना होगा। जिग्नेश मेवाणी के ऊपर गलत मुकदमा दर्ज कर दिया, अब ऑब्जेक्टिवली आप सोचिए दलित उससे भड़के कि नहीं, नाराज हो गए ना? यदि कोई दलित नाराज हुआ तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आपकी नाराजगी को खत्म कर दो, मैं जेल में जाऊंगा, तुम कुछ मत करो। एक आरोप ये भी लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो दलित मूवमेंट है वो उसको बहुत बड़ी परंपरा है शाहू फुले अंबेडकर की, और इस परंपरा को तोड़कर एक नया पैटर्न जो है, मतलब आपका नाम लिया जा रहा है उसमें, जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद वाले पैटर्न की महाराष्ट्र के दलित मूवमेंट को क्या जरूरत है? ऐसे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? तो हमारी कौन सी पैटर्न है? यही शाहू फुले और बाबा साहब अंबेडकर वाली पैटर्न है, और कौन सी नई पैटर्न है? हमारी गुजरात मॉडल वाली पैटर्न नहीं है, हमारा नाम बुझाने वालों, आप समझते हैं? हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम तो किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, यही बात करते रहेंगे। कितना भी हमको कोई गाली दे हम हिंसा की बात नहीं करते, वो हमारे कल्चर नहीं है। आपने अभी कहा है कि युवा हुंकार रैली जो है वो करेंगे दिल्ली में, पीएम मोदी को आप वहाँ पे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति लेकर, तो ये आंदोलन जो है नेशनल लेवल पर खड़ा करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या आप आंदोलनवादी मतलब केजरीवाल की राह पर आप जा रहे हैं? हमारी हर बात में मोदी को ला रहे हैं? मंशा यही है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता की नाबूदी और सोशल जस्टिस मिले तो वो मिले, हम तो उसी की बात करने जा रहे हैं, पीसफुली जाएंगे, आराम से जाएंगे। क्या इस रैली को परमिशन मिली है, और अगर नहीं मिलती है तो आपका रास्ता क्या? तो ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। यदि इस देश के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीसफुली रैली निकालने का भी परमिशन नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करने का या संविधान की बात करने का भी परमिशन नहीं है, तो ये शर्म की बात उनके लिए होगी। कल जो एक प्रोग्राम होने वाला था छात्र भारती का, उसमें आपको परमिशन नहीं दी गई थी, हाँ? वहाँ पे क्या हुआ था? बिल्कुल, तो उसमें परमिशन क्यों नहीं दी? उनको मालूम था कि जिग्नेश मेवाणी ये मुद्दा उठाएगा कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था, 4 साल हो गए, 8 करोड़ को रोजगार देना था, 1% को भी रोजगार क्यों नहीं मिला? इसी के डर से परमिशन डिनाई किया, फिर भी हम कुछ नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति हो।